अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको अनइवन स्किन टोन के लिए बहुत ही बेहतरीन सी रेमेडी बताऊंगी। बिल्कुल नेचुरल है, यानी कि अगर आपका फेस कहीं से डार्क है, कहीं से कलर आपका बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ये आपकी स्किन को इवन कर देगा, बिल्कुल आपका स्किन का कलर एक जैसा होगा, कहीं से डार्क नहीं होगी। और इसको बनाने के लिए आपको चाहिए योगर्ट, यानी कि बगैर पानी वाला आपने इसमें दही यूज़ करना है। इसके अलावा आपको चाहिए इसमें चावल का आटा, यानी कि राइस फ्लोर। तो 2 टीस्पून योगर्ट में मैं 1 टीस्पून राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा ऐड करने लगी हूँ। और आपको चाहिए बेसन। बेसन बहुत अच्छा होता है स्किन को इवन बनाने के लिए। और इसमें 1 टीस्पून ही हम बेसन ऐड करेंगे, यानी कि ग्राम फ्लोर। और सबसे लास्ट में आपको चाहिए टर्मरिक, यानी कि हल्दी। हल्दी हमने 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करनी है। ये आपके फेस पर जो स्पॉट्स होते हैं या फिर एक्नी के निशान होते हैं, एक्नी है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें, बिल्कुल स्मूथ सा आपने पेस्ट रेडी करना है। ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ है। अब आपने इसको डायरेक्टली अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। ब्रश की मदद से लगा सकते हैं, हाथों की मदद से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और नेक पर भी अगर लगाएं तो लगाएं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत अच्छी है, बल्कि नेक की डार्कनेस को भी ये रिमूव करेगी। और इसको अपने फेस पर एक पूरा लेप आपने लगाना है। लगाने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ दें ड्राई होने के लिए। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये ड्राई हो जाएगा। फिर आपने वॉश नहीं करना, बल्कि हल्के हाथों से रब करते रहना है। रब करके आपने इसको रिमूव करना है। आप देखेंगे कि फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपके फेस जो अनइवन स्किन टोन है वो बिल्कुल इवन हो जाएगा और आपकी स्किन फेयर हो गई। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।